मंडी शहर के पुराने कपड़े विक्रेताओं ने जिला प्रशासन से मंडी शहर में उचित स्थान मुहैया करवाने तथा पुराना कपड़ा विक्रेताओं को टोकन नंबर जारी करने की अपील की है। प्रशासन द्वारा मंडी शहर में स्थित जैनचुनोन में बसाए गए इन पुराने कपड़ा विक्रेताओं का कहना है कि पिछले कई वर्षों से मंडी शहर में पुराना कपड़ा बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करते आ रहे हैं, जिसके लिए नगर परिषद व जिला प्रशासन ने इन्हें जो स्थान चिन्हित किया है वह स्थान इनके मुताबिक उचित नहीं है। इसलिए इन पुराना कपड़ा विक्रेताओं ने जिला प्रशासन व नगर परिषद से इन्हें किसी नए स्थान पर बिठाने की मांग की है ताकि इनके परिवार का पालन पोषण आसानी से हो सके। वहीं इन पुराना कपड़ा विक्रेताओं ने इन्हें टोकन नंबर जारी न करने पर भी रोष प्रकट किया है। पुराना कपड़ा विक्रय करने वाली महिलाओं ने बताया कि टोकन नंबर न होने के कारण इन्हें कई प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इनका कहना है कि रेड़ी फड़ी बालों सहित मंडी शहर में कार्य करने वाले सभी लोगों को नगर परिषद ने लाइसेंस जारी किए हैं, जबकि इन्हें इससे वंचित रखा गया है। कपड़ा विक्रेता महिलाओं ने जिला प्रशासन व नगर परिषद से इन्हें टोकन नंबर जारी करने तथा कपड़ा बेचने के लिए शहर में उचित स्थान मुहैया करवाने की अपील की है। और हमने नगर परिषद वालों से बोला है, डीसी साहब से रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन दे के लिखी है, भाई हमारे जो टोकन नंबर आए हैं और जो हमारे टोकन नंबर है और लाइसेंस है हमारे को दिए जाए और हमारे को अच्छी बैठने को सुविधा की जाए ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, अच्छी सुटेसी दे सके, हम पढ़ा लिखा सके। जैसे यहाँ के मांगने में कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई कमाई करने में हमारे को दिक्कत नहीं हुई। नगर परिषद ने आपको यहाँ बिठाया हुआ है, तो यहाँ क्या आपका व्यापार चल नहीं रहे? व्यापार चलता है सर, हमारे को ऊपर बैठने को सुविधा अच्छी नहीं है हमारी को ना। जैसे एक ही रास्ता है हमारा, एक ही रास्ते के अंदर कैसे कितने लोग हमारे एडजस्ट होंगे। गांव से जो बंदे आते थे एक ही रास्ता है, एक रास्ते में हमारा पूरा होता भी नहीं है। फिर बाकी ये बात है, अलग अलग सब चीजें लगी है। बोट लगा था इधर पुरानी मार्केट का हमारी गुजराती का, वो भी हमारी निकाल के ले गए, तो हमारी मार्केट कहाँ से पता चलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे को बैठने को अच्छी जगह शहर के अंदर दी जाए जो हम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, और हमारी मेहरबानी बस कि हमारे को टोकन नंबर दिए जाए। हमारा जो यहाँ पे जनचुनौन पे यहाँ पे कस्टमर ज्यादा नहीं पहुँच पा रहे हैं, वैसे कि जो आजकल लॉकडाउन है उस कारण तो बिल्कुल ही हमारा काम ठप है, ठीक है। और मतलब जो हमारे टीवीसी नंबर यहाँ कोई आता भी है प्रशासन वाला तो हर वक्त हमारे पास बोलते हैं कि आपका लाइसेंस बताइए, आपका टीवीसी नंबर बताइए, आपको किसने बिठाया। तो हम कमेटी में गए, वहाँ के प्रधान सुमन मैडम से मिले कि मैडम हमारा टीवीसी नंबर और हमारा लाइसेंस हमको दिया जाए। जो हमारे पास जो लेटर भी आया हुआ है उनमें 392 की सर्वे हुई है, 392 में से जितने रेडी वाले हैं उनको सबको अपने अपने लाइसेंस मिल चुके हैं, ताकि हमारे जनचुनौन वाले को अभी तक वो लाइसेंस नहीं दिए गए। कितने समय पहले आपने आवेदन किया था? सर हमने 3 साल तकरीबन पहले आवेदन किया हमने, और इसका सर्वे हुआ है, और जो हमारे पास जो उसके लाइसेंस के जो नंबर सर्वे के जो नंबर है वो अभी हमारे पास स्लिप पे पड़ी हुई है, और जो लाइसेंस के जो टोकन आते हैं वो कमेटी में पड़े हैं पर हमको कमेटी नहीं दे रही है। इसके लिए हमने डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की और एप्लीकेशन दी, और जो लेटर के साथ हमने जो हमारे पर लेटर आया गया है उनमें सबके जो लिखा हुआ है कि इनको अपने लाइसेंस दिए जाए, हमने वो भी दिया, मगर अभी 3-4 दिन बोल रहे हैं कि 3-4 दिन पहले आप अपना वेट करो और आपको अपना लाइसेंस मिला जाएगा। इसलिए सुमन मैडम ने भी हमको 16 तारीख की डेट दी गई कि 16 तारीख को ईओ साहब जी आएंगे और आपको आपका लाइसेंस दिया जाएगा।